Good morning, students. In this lecture, we will discuss about application of rolling friction. Let us start. Friction exerted on wheels. In which direction friction acts in the wheels? So, this is a picture of simple bicycle. In the bicycle, there are two wheels, front wheels and rear wheels. As we know that bicycle is driven by rear wheel. So, first of all, we consider the friction in rear wheels. Students, in rear wheels, the direction of friction is forward. And in front wheel, the direction of friction is backward. Why this happens? We explain one by one. ठीक है, आपको याद रखना है कि wheels, bicycle के wheels में, rear wheel में जो back wheel है उसमें friction आगे की तरफ होता है और जो front wheel है उसमें friction पीछे की तरफ होता है. ऐसा क्यों होता है, डायरेक्शन चेंज क्यों होता है? लेट डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट इन रियर व्हील्स, लुक इन रियर व्हील्स. एज वी नो दैट इट इज ए ड्राइविंग व्हील. ठीक है, इसको क्या किया जाता है, फोर्स लगाया जाता है ताकि ये मूव करे. ठीक है, व्हेन वी अप्लाई द फोर्स इट स्टार्ट्स मूविंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, अब इमेजिन करना है आपको कि अगर यहां पर कोई सरफेस नहीं होगा, ठीक है, तो कौन सा मोशन होगा? देन वी कैन इमेजिन दैट देयर इज रोटेटरी मोशन. ठीक है, एक रोटेटरी मोशन होगा. ठीक है, अगर यहां पर कोई सरफेस नहीं होगा, सरफेस का कॉन्टेक्ट का नहीं होगा. ठीक है, ड्यू टू इस रोटेटरी मोशन the point present between the surfaces it wants to slide. ठीक है, ये क्या चाहेगा, पॉइंट अगर सरफेस से कॉन्टेक्ट के पास रहेगा तो क्या चाहेगा, ये स्लाइड करने की कोशिश करेगा बैकवर्ड. ठीक है, क्योंकि हमारा जो व्हील्स है वो क्लॉक वाइज मूव कर रहा है. ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट पी है, ये किस तरफ स्लाइड करेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में. ठीक है, नाउ व्हेन देयर इज अ कॉन्टेक्ट, व्हेन देयर इज कॉन्टेक्ट, एज वी नो दैट द फ्रिक्शन एग्जर्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ मोशन. अगर पॉइंट ऑफ मोशन लेफ्ट में जा रहा है तो फ्रिक्शन क्या होगा, राइट में होगा ना. एंड ड्यू टू दिस फ्रिक्शन बाइसाइकल स्टार्ट्स मूविंग. ठीक है, ये फ्रिक्शन ही है यहाँ पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, राइट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है जिसके वजह से साइकिल क्या हो रहा है, फॉरवर्ड मूव कर रहा है. यहाँ पर फ्रिक्शन ही है जो फोर्स को क्या कर रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है. नाउ एक्सप्लेन दिस सिंपल एक्सप्लेनेशन, व्हाट हैपेंस इन रियर व्हील. लुक, एज वी नो दैट इन बाइसाइकिल rear wheel is a driven wheel, it rotates in clockwise direction when the bicycle is moving to the right. The surface of the tire tends to slip to the left across the road. ठीक है, हमारा जो टायर का सरफेस है वो लेफ्ट की तरफ स्लिप करने की कोशिश करेगा. Therefore, the direction of friction on the tire is to the right. तो हमारा जो पॉइंट है लेफ्ट में मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन क्या होगा, राइट में लगेगा. Therefore, direction of friction on the tire is to right. It is this frictional force on the driver wheel that causes the bicycle to accelerate to the right. ठीक है, अगर ये फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं लगेगा तो हमारा बाइसाइकिल मूव नहीं करेगा. ठीक है, जैसे कि अगर बाइसाइकिल को हम स्टैंड पर लगा दें, बाइसाइकिल को स्टैंड पर लगाने के बाद अगर हम पैडल देते हैं तो आप क्या देखिएगा, बाइसाइकिल क्या होगा,
सिर्फ रोटेटरी मोशन परफॉर्म करेगा, वो अपने पोजीशन से आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, पोजीशन से आगे बढ़ने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर फ्रिक्शन होना चाहिए, और फ्रिक्शन जो है राइट एक्सल लगने की वजह से व्हील्स हमारा कंप्लीट रोलिंग करता है। ठीक है, यू ऑल्सो ऑब्जर्व दैट इन सम टाइम इन द मड। ठीक है, मड में जब हमारा व्हील्स क्या होता है, फंस जाता है, तो व्हील्स रोटेट कर रहा होता है बट हमारा जो कार है वो फॉरवर्ड मूव नहीं करता है। उसके लिए फिर वहां पर क्या करना होता है, हमें ड्राई सैंड या ड्राई सॉइल वहां पर पुट करना होता है, जिसके फ्रिक्शन होने की वजह से हमारा जो कार है वो आगे मूव करने लगता है। ठीक है, तो रियर व्हील में हमारा फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या है, राइट डायरेक्शन में। नाउ वी डिस्कस अबाउट व्हाट हैपेंस इन फ्रंट व्हील। ठीक है, फ्रंट व्हील में क्या होता है जिसकी वजह से फ्रिक्शन बैक डायरेक्शन में होता है। लिसन स्टूडेंट्स, इन द फ्रंट व्हील देयर इज नो एनी ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, फ्रंट व्हील में हम लोग ड्राइविंग फोर्स नहीं अप्लाई करते हैं। फ्रंट व्हील जो हमारा साइकिल के फ्रेम से क्या होता है, कनेक्ट होता है, और पूरा का पूरा जो फ्रेम है वो क्या मूव करना चाहता है, फॉरवर्ड मूव करना चाहता है। ठीक है, सपोज द फ्रंट व्हील टायर एंड द सरफेस ऑफ द रोड देयर इज नो एनी कॉन्टेक्ट, देन टेल मी दिस टायर, ये जो हमारा टायर है क्या ये मूव करेगा नहीं करेगा। ठीक है, तो हमारा टायर कब मूव करेगा, जब ये टायर का सरफेस और हमारा रोड सरफेस दोनों आपस में क्या हो जाए, कांटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो फ्रेम है पूरा का पूरा फ्रंट व्हील को पुश कर रहा है फॉरवर्ड में। ठीक है, तो इसमें जो मोशन है एक ट्रांसलेटरी मोशन है, ये आगे की तरफ मूव कर रहा है। जब तक जो टायर है और रोड दोनों के बीच में कांटेक्ट नहीं होगा, ठीक है, तब तक ये व्हील रोटेट नहीं करेगा। अब सपोज जैसे ही टायर जो है ये क्या हो गया, रोड पर कांटेक्ट हो गया। ठीक है, अब हमारा अगर सरफेस स्मूथ होगा, अगर हमारा सरफेस क्या होगा, स्मूथ होगा, तो ये कांटेक्ट होने के बाद ये क्या करेगा, स्लिपिंग करने की कोशिश करेगा, यानी कि स्लाइड करेगा। ठीक है, स्लाइड करने की कोशिश करेगा, स्लिप करने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पर जो फ्रिक्शन प्रेजेंट होता है रोड पर, जो फ्रिक्शन प्रेजेंट होता है उसका डायरेक्शन क्या होगा, बैक डायरेक्शन में। ठीक है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, बैक डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन की वजह से ही जो फ्रंट व्हील है वो रोटेट करता है। ठीक है, याद रखिएगा, फ्रंट व्हील में कोई सा भी रोटेटरी मोशन हम लोग दे नहीं रहे, फ्रंट व्हील जो है रोटेटरी मोशन गेन कर रहा है किसकी वजह से, क्योंकि फ्रिक्शन क्या लग रहा है, बैक डायरेक्शन लग रहा है, और हमारा जो व्हील है एक और फोर्स लग रहा है उस पे, फॉरवर्ड एक्शन में क्या हो रहा, फ्रेम जो है हमारा फॉरवर्ड एक्शन में उसको पुश कर रहा है, और फ्रिक्शन क्या कर रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में इसको लग रहा है। ठीक है, तो राइट और लेफ्ट दोनों मिल करके एक टॉर्क क्रिएट कर रहा है। टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, किसी भी बॉडी को अगर रोटेट करना है तो उसमें दो फोर्स डिफरेंट डिस्टेंस पर लगते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं टॉर्क, किसी चीज को रोटेट कराने के लिए उसमें चाहिए हमको टॉर्क। तो यहाँ फॉरवर्ड पुशिंग एंड फ्रिक्शन जो है बैक डायरेक्शन में दोनों मिल करके फ्रंट व्हील को क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो फ्रिक्शन की वजह से ये क्या कर रहा है, ये फ्रिक्शन ही है जिसके वजह से ये रोटेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, सो नाउ वी एक्सप्लेन द फ्रिक्शन डायरेक्शन इन फ्रंट व्हील। द फ्रंट व्हील इज नॉट द ड्रिवन व्हील, वी कैन सी द मोशन ऑफ फ्रंट व्हील एज समवन पुशिंग द व्हील कार्ट। ठीक है, व्हील कार्ट को क्या कर रहा है, पुश किया जा रहा है। तो पुश करने के वजह से यहाँ पर ये क्या करेगा, ये कोशिश करेगा कि हम स्लाइड करें। ठीक है, बट इफ देयर इज नो एनी फ्रिक्शन रिलेटेड टू द लेफ्ट ऑन द फ्रंट व्हील, द फ्रंट व्हील स्लाइड टू द राइट। अगर फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो क्या होगा, वो राइट डायरेक्शन में स्लाइड कर जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो फ्रिक्शन ही है, ये फ्रिक्शन ही है जिसके वजह से
हमारा जो फ्रंट व्हील है वो रोटेट कर रहा है। तो ये हमारा सिंपल सा एग्जांपल है। फ्रंट व्हील में क्या होता है, फ्रिक्शन का डायरेक्शन लेफ्ट डायरेक्शन में होता है, और रियर व्हील में क्या होता है, फ्रिक्शन राइट डायरेक्शन में होता है। इसको समझने के लिए आप फिर से इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके।